दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय क्षमा वनस्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल एंड अल करीम बिल्डर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौलाना अब्बास है और आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अवाम के साथ। नाज़रीन, ठंडे मीठे मौसम में अवाम घरों से बाहर निकलती है पिकनिक मनाने के लिए, काफ़ी तफरी के मकामात पे अवाम निकलती है। तो आज हम भी एक तफरी के मकाम पे मौजूद हैं जिसे कहा जाता है बिल्ले का डेरा। जी हाँ नाज़रीन, बिल्ले का डेरा एक फैमिली रेस्टोरेंट है जिस पर हम आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ बैठी हैं, इनसे हम पिकनिक पॉइंट के बारे में भी जानेंगे, इनसे हम ये भी जानेंगे कि दूर दराज इलाकों से इस पॉइंट पर इन्हें आके कैसा लगता है, और मज़ीद भी चटपटे सवालात से हम आपको लुत्फानंदोज़ इस शो में करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं शो की तरफ। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अज़ीज़ रफ़ीक साहब मौजूद हैं जो कि बिल्ले दा डेरा दे ओनर हैं। तो इनसे हम चल के जानेंगे कि यूनिक नाम इनने ये कैसे रखा, और इसी के साथ साथ शहर से कोसों दूर ये सारा सेटअप इन्हें बनाने का कैसे ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम सर। 2008 में बिल्ले का डेरा ये रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया था, और ये बिल्ला जो है मेरे वालिद साहब का निक नेम है। तो हमने शहर से थोड़ी सी दूर 30-35 किलोमीटर के ड्राइव है मुल्तान शहर से, इसलिए इस जगह को चॉइस किया था कि लोगों फैमिलीज़ के लिए थोड़ी सी आउटिंग का प्लेस होना चाहिए, तो इसलिए हमने ये जो रेस्टोरेंट है इसको ओपन किया था बिल्ले। तो सर, इसकी सबसे स्पेशल डिश कौन सी मशहूर बिल्ले की डेरा स्पेशल डिशेज है जी? वो मटन कढ़ाई है, देसी चिकन कढ़ाई है, उसके अलावा दुम्बा टिक्का है, और बारबेक्यू हमारा बड़ा स्पेशल है जी यहाँ पे। तो सर, ये सर्दियों में आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? सर्दियों में हमने लॉन में हमने हट्स का अरेंज किया हुआ है फैमिलीज़ के लिए, साथ में हीटर का अरेंज है, तो मेरे ख्याल में यहाँ सर्दी का ज़्यादा नई कस्टमर फील नहीं करते जी। शनवारी फूड आपने इंट्रोड्यूस यहाँ कब करो? शनवारी फूड का इंट्रोड्यूस कराया तकरीबन 1 साल हो गया जी। स्पेशल मैंने पेशावर से मैंने कारीगर जो वो हायर किए थे, तो उसके बाद यहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है शनवारी फूड्स का, क्योंकि थोड़ा सा लोग टेस्ट में चेंज आते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ नया ट्रेंड यहाँ पे लाने की कोशिश की है। जनूबी पंजाब के लोग भी शनवारी फूड को लाइक करते हैं जी? अभी लोगों को जी बहुत ज़्यादा होटलिंग लोग शौक से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं जी, क्योंकि फ्रेश मटन है, आप अपने सामने बैठते हैं उस मटन को कटवाते हैं, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं इस चीज़ को। तो सर ये बताएं, अपना कोविड की जैसे सिचुएशन आई थी, काफ़ी पैनिक कोविड के वाले से वहाँ हो गई थी, तो तब क्या ये बिल्ले का डेरा चल रहा था जी? एक मंथ के लिए जी कुछ अर्सा क्लोज़ किया था जब गवर्नमेंट की थी SOPs के तहत, उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट की SOPs उसके तहत हम अपना रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, रात 10 बजे क्लोज़ कर देते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 10 बज चुके हैं, रेस्टोरेंट क्लोज़ हो चुका है जी। तो अब जो मजीद आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस डाइनिंग के लिए, तो उसके हवाले से आपका किस नज़र जी? उसी मेरी तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जी कि मेरे ख्याल में कि सबसे ज़्यादा जो हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ये तबाह हो चुकी है कोविड में। मेरे ख्याल में ना बाज़ार में आपको कोरोना मिलेगा, ना आपको मॉल्स में मिलेगा, हालांकि सबसे ज़्यादा शायद हम लोग इसको SOPs को जो है ना उसको मद्देनजर रखते हुए अपने रेस्टोरेंट में स्टाफ को तकरीबन हम सब स्टाफ को कोरोना अपना वैक्सीन करवा चुके हैं, तो सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में हमारे मतलब कुछ सोचना चाहिए सर। तो सर ये अपना थोड़ा लोअर पंजाब के एक एरिया में हो जाता है, आवाम को यहाँ अवेयरनेस इतनी नहीं, तो इसके लिए आप क्या स्टेप्स उठाते हैं अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए? कस्टमर कोविड के हवाले से सेफ्टी से जी सर, उसका मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल किया जाता है बस। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त कुछ दोस्त अहबाब यहाँ पर खाना खा रहे थे, हमने उन्हें डिस्टर्ब किया, हमने उनसे सिर्फ कुछ मिनट्स लिए हैं उनसे बात करने के लिए। तो उनसे हम चल के जानेंगे कि ये तफरी का पॉइंट उन्हें कैसा लगता है, और ये जो खाना खा रहे हैं इसके बारे में उनके क्या रिव्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सर ये बताएं कि आप ये सारे मतलब दोस्त अहबाब यहाँ पर पिकनिक करने आए हुए हैं? जी सर जी, हम सब दोस्त हैं, कज़न है, रिश्तेदार हैं जी। तो मतलब यहाँ पर पिकनिक करने आते हैं, और मतलब यहाँ का खाना वगैरह टेस्ट वगैरह कैसा लगता है? माशाल्लाह सर, बहुत बहुत अच्छा टेस्टी खाना है। अच्छा, किस जगह से आप आए हैं? सिंध कश्मोर। अच्छा, सिंध कश्मोर से आप आए हैं मतलब दोस्तों के साथ तफरी करने के? जी जी सर जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह ज़बरदस्त सर, इधर का सर्विस जो है वो भी अच्छा है, और इधर का खाना भी बहुत अच्छा है, टेस्टी है माशाल्लाह जी।
तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये बताएं आपको मतलब दोस्तों के साथ बैठ के, दोस्तों के कैबिनेट में बैठ के कैसा लग रहा है? क्योंकि हम अक्सर लड़के बैठते हैं अपने दोस्तों के साथ, काफ़ी रात तक काफ़ी गपशप मारते हैं, तो आप लोग क्या मतलब इस एज में करते हैं? हम तो घूमने गए थे नारायण कागान, वहाँ भी ऐसा खाना नहीं मिला। अच्छा। ये जगह देखी हमने, यहाँ हमारा भाई है मुजफ्फरगढ़ में जी जी, वो सब्जी ले रहे। अच्छा। उसके पास जा रहे थे, रास्ते में ये बिले का डेरा होटल देखा, तो इधर टर्न मार के हम खाने के लिए बैठे। तो आप कहाँ से हैं? हम सिंध कश्मीर से। अच्छा, सिंध कश्मीर से आप हैं, तो मतलब आप काफ़ी अर्से बाद सारे मिले, घूमे फिरे काफ़ी अर्से के बाद। अच्छा, घूमने फिरने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है? शौक है। अच्छा अच्छा, तो जी हाँ नाजरीन, इस एज में भी आके जैसे आजकल के यंगस्टर्स हैं वो बस कुछ अर्से की दोस्ती वगैरह रख के ख़त्म कर देते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो इस एज में भी आके दोस्तों को ना भूलें, उनके साथ घूमें फिरें, मैनेज कर लेते हैं? फैमिली की तरफ से आपको मसले मसाइल तो नहीं? नहीं नहीं होते हैं, हम अमेरिकन शेयर करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताएं कितने बच्चे वगैरह हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। एक तो, 2 बेटियां हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब फैमिली को भी टाइम दे देते हैं, दोस्तों को भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये ईद के बाद निकलने का प्रोग्राम हुआ तो इसलिए निकल गया है। सही सही माशाल्लाह, बहुत नाज़रीन आपने इनका सुना, उम्मीद करते हैं आपको इन सब की राय बहुत अच्छी लगी होगी। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्ले के डेरे पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक फैमिली आई हुई है जिसने अपना बर्थडे यहाँ पर आके सेलिब्रेट कर रही है। हम इनसे पूछेंगे कि इनने आखिर इस जगह का क्यों इंतखाब किया, इनने घर में या फिर और किसी मकाम पर अपनी बर्थडे को सेलिब्रेशन के लिए क्यों इंतखाब उस जगह का नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। सर ये आप बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बर्थडे पहले तो ये बताएं है किसकी? मेरी वाइफ की बर्थडे। अच्छा अच्छा, भाभी की बर्थडे है, ठीक है। आप मतलब हर साल यहीं आके करते हैं? नहीं हर साल नहीं, इस साल चूज़ किया है। अच्छा अच्छा, चूज़ किया है। क्या ये आपकी शादी से पहले कोई कमिटमेंट थी कि आप यहाँ के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या फिर अपना हर साल आप कहीं ना कहीं करते रहते हैं? शादी को तो 7 साल हो गए हैं, तो कमिटमेंट जो हैं वो भूल चुकी हैं अब जो हैं। इनका खाना बहुत अच्छा है तो इस वजह से यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा, खाना इनका बहुत अच्छा है। तो आप ये बताएं आपकी मतलब लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज थी और लव मैरिज भी थी, क्योंकि हमें बचपन से पता था हमारी यहीं पर होनी है, तो लव पहले हो गया था। तो मतलब आजकल की जो जनरेशन है जो मतलब ऐसे मतलब काफ़ी ऊट पटांग रिलेशंस रख लेते हैं ये वो, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कमिटेड रहें तो कोई रिलेशन बुरा नहीं है, बेशक वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अगर कमिटेड रहें, ईमानदार रहें। टीनेज को आप क्या? कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं, समझदार हैं, अक्ल रखते हैं, पेरेंट्स साथ हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसके साथ साथ केक के साथ कुछ खाने पीने का भी प्लान था? हाँ वो हमारा खाना पड़ा है, हम खा रहे हैं। अच्छा, साथ तो साथ। हाँ। ठीक है नाज़रीन, आपको खाने की भी क्लिपिंग दिखाएंगे, ये सिर्फ ये केक नहीं, खाने पीने भी आए, इन्जॉय करने आए हैं, और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ और कस्टमर्स मौजूद हैं जो यहाँ बिल्ले के डेरे पर आए हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर आखिर ये इतनी रात को ये केक क्यों आते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ कौन कौन से खाने ये मोस्टली खाते हैं, इन्हें कौन कौन से खाने ज़्यादा पसंद आते हैं, और अपने दोस्तों के साथ आते हैं, मोस्टली फैमिली के साथ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप मतलब आते रहते हैं, मतलब आउटिंग का ज़्यादा आपको शौक है अपने दोस्तों के साथ आने का? जी जी बिल्कुल, आउटिंग के लिए आते हैं, और यहाँ खाना भी बहुत अच्छा होता है, मोस्टली यहाँ हम जो है ना कढ़ाई खाने के लिए आते हैं और चाय पीने के लिए आते हैं। हम डीजी खान से आते हैं। अच्छा, आप डीजी खान से स्पेशल यहाँ पर आते हैं? आते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो यहाँ का सबसे मतलब फेवरेट आपकी कढ़ाई है? जी जी मटन कढ़ाई है। अच्छा, मतलब दोस्त अहबाब के साथ ही ज़्यादातर आप आते हैं? दोस्त अहबाब के साथ ही। अच्छा, आपके साथ अभी भी आपके दोस्त ही हैं? जी जी दोस्त ही हैं। तो ये बताएं कि आप मतलब डीजी खान से इतना सफ़र करके आए, आपको फैमिली की तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं पड़ता आप कहाँ जा रहे हैं, क्या ये कोई सवाल जवाब ज़्यादा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। अच्छा, खुशी से भेजते हैं। सही सही। तो बाकी जी हाँ नाज़रीन, और भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं, मैं उनसे भी मज़ीद डिस्कशन करता हूँ, सवालात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सर आप भी डीजी खान से हैं? मेरा गाज़ी खान से। अच्छा अच्छा, तो मतलब आउटिंग के लिए मोस्टली आप किन इलाकों में जाते रहते हैं? मुल्तान आ गए। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ चले गए। ठीक है, कोटदू चले गए। ठीक है, कोट मिठन चले गए। ठीक है, मतलब तफरी करना ये आपका मशगला है, आप करते रहते हैं? हॉबी है। ठीक है, हॉबी आपकी, तो हवा में तब्दीली आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नाज़रीन यहाँ पर बच्चों की तफरी का भी मकाम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बच्चे झूले खा के अपने आप को लुत्फानंदोज करते हैं, वहीं पर ही हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जिनसे चल के हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रकीब अफजल। ये बताएं आप यहाँ पर प्लेलैंड में झूले खा के इंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी अपना कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं। आपका क्या नाम है? अनाबिया। अच्छा, आपने कौन सा झूला आपको ज़्यादा खाना पसंद आता है?
भूल गई आप। अच्छा आपका क्या नाम है? हानिया। अच्छा हानिया, वाओ। अच्छा ये बताएं आप कौन सा झूला खाते हैं ज्यादातर? अच्छा ये वाला, सही सही। तो बाकी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी। नर्सरी में, गुड। आपका क्या नाम है बेटा? अहमद। अच्छा अहमद, ये बताओ अपना आप भी झूले लेते रहते हो प्लेन लैंड में? लेते रहते हैं, हम भी लेते हैं। आपको अच्छा लगता है वो वाला? अच्छा वो वाला, उसका क्या नाम है? उसका नाम पता नहीं। पता ही नहीं है आपको नाम उसका? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में पढ़ते हो। यहाँ पर आते रहते हो फैमिली के साथ? हाँ आते रहते हैं हम। यहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन सा खाना पसंद करते हो आप? हम करते हैं कढ़ाई। कढ़ाई खाते हो? आपको सबसे अच्छी कौन सी डिश लगती है? मुझे सबसे अच्छी चिकन कढ़ाई। वाओ, अच्छा आपको कौन सी अच्छी लगती है? आप कौन सा खाना ज्यादा पसंद करती हैं? चावल। अच्छा राइस खाती है ये, गुड। तो जी हाँ नाज़रीन, बच्चों की चटपटी बातों से हमने आपको लुत्फ़अंदोज़ किया, तो आगे चलकर मज़ीद प्रोग्राम का सेगमेंट बढ़ाते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो यहाँ पर आउटिंग के लिए बिल्ले के डेरे पर आई हुई है, तो इनसे हम चल के जानेंगे आखिर इनने ये वाला वेन्यू सिलेक्ट क्यों किया, यहाँ पर क्या इन्हें फैसिलिटीज़ और खाने का टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ साथ इनसे हम ये भी जानेंगे कि क्या ये फैमिली भी मुल्तान या दीगर इलाकों की तरह आउटिंग की शौकीन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है जी मेरा। जाहिद भाई ये बताएं आप मतलब फैमिली के साथ निकलते हैं क्या, मतलब ये आपकी आउटिंग का कोई प्लान्स होते हैं या ऐसे ही आप रैंडमली? बस जी रैंडमली, जब भी थोड़ा सा मौका मिला अपने डेली मसरूफियात से तो वैसे ही निकल आए बस। तो फैमिली टाइम मैनेज कर लेते रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा कोई शिकवा शिकायत तो आपको नहीं होता? नहीं कभी भी नहीं जनाब, कभी भी नहीं जनाब। तो ये बताएं आप मतलब यहाँ पर ही आते रहते हैं मोस्टली या फिर और कौन कौन सी जगह पर जाते हैं? बस सर मेरी पूरी फैमिली ही ये आउटिंग की बड़ी शौकीन है, खानों की मुख्तलिफ रेस्टोरेंट पे जाते रहते हैं, लेकिन हमारा इसमें ईद के बाद से कोई तीसरा विजिट है यहाँ पे बिल्ले के डेरे। हाँ जी बिल्ले के डेरे पे। तो ये बताएं आप हैं कहाँ से बेसिकली? मैं मुजफ्फरगढ़ से हूँ जनाब। मुजफ्फरगढ़ से? आपने फिर काफ़ी सफ़र करके यहाँ पर आए? जी बिल्कुल ऐसे ही सर। तो मतलब बाकी कितने मतलब बच्चे हैं आपके और फैमिली वगैरह सारे यहाँ पर आप आउटिंग इन सबको करवा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बच्चों के साथ। तो दोस्तों के साथ भी कभी आउटिंग का प्लान बनता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है जी, इतने मेरे कलीग्स हैं, हमारा वीकली टूर होता है अक्सर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे। वैसे मोस्टली प्रेफर हम इसी को करते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, डेफिनेटली खाना अच्छा है, तो यहाँ पे हम विज़िट करते हैं जनाब। तो भाभी को शिकायत तो नहीं रहती जब आप जाएं दोस्तों के साथ जाएं या कहीं आप थोड़ा लेट हो जाएं या कुछ और हिसाब बन जाए? हाँ बिल्कुल होता है जी, वो कहते हैं जी हमें टाइम ज़्यादा दें, अपने फ्रेंड्स को बाहर कम टाइम गुजारें। अच्छा आप इसीलिए तो कोशिश करते हैं कि वीकली या मंथली दो तीन जो प्लान हो जाए तो फैमिली को भी टाइम दे दिया जाए जी। तो बाकी जो मतलब लोग होते हैं जो मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पाते अपने मसरूफियात का बहाना बना के, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा, देख आपकी डेली रूटीन लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम आपको अपना अपनी फैमिली को देना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए बाकी रिलेटिव्स के साथ, आप अपने बच्चों को ले जाएँ कहीं घुमाएं फिराएं, उनको डेली रूटीन से हटाएं, ज़रा बाहर आएंगे वो रेस्टोरेंट पे खाना खाएं घूमें फिरें ताकि उनका माइंड भी फ्रेश हो और आपकी उनसे इंटरेक्शन भी रहेगी। आजकल मोबाइल की वजह से ये दूर होते जा रहे हैं, तो इकट्ठे बैठ के मौका मिल जाता है गपशप करने का। तो क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर फैमिली रेस्टोरेंट के लिए अच्छा है क्या इस मुताबिक? वेरी बेस्ट सर, मेरे ख्याल में मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं है। अच्छा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ कुछ और कस्टमर मौजूद हैं जो अभी ताज़ा कढ़ाई से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, तो इनसे चल के हम जानेंगे कि आखिर इनकी फेवरेट फ़ूड कौन सी और ये मोस्टली तफरी के लिए किन मकामात पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। अच्छा मुल्तान से? हाँ हाँ मुल्तान से। तो मुल्तान से आप यहाँ बिल्ले के डेरा, आपको काफ़ी सफ़र पड़ जाता होगा? हाँ एक्चुअली ये हाईवे पे बेस्ट होटल है, आप देखें तो यहाँ पे हाईवे पे और भी बहुत से होटल हैं, मेहराब हो गया, नवाब हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट दिस वन इज़ गुड फॉर द फूड। देसी आप फूड का देख लो, देसी फूड से देख लो तो एवरीथिंग अवेलेबल यहाँ पे, हर चीज़ है भरी। तो आप कहीं भी ट्रैवल कर आते हो तो एंड आपका ऐसे फूड पे हो तो आपकी सारी टायर्डनेस सारी खत्म हो जाती है। मतलब आप भी फूडी लवर ही हैं? या फूड लवर मुल्तानी, आप जितना भी बेल्ट देख लो सारे फूड लवर ही हैं जनूबी पंजाब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा स्पाइसी या फिर मतलब मीडियम? स्पाइसी लाइक किया जाता है इस बेल्ट पे, मीडियम तो मुश्किल है कहीं पे भी लाइक किया जाता हो। तो मतलब ऊपर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में कभी जाते हैं टूर वगैरह? नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बड़े टूर लगे हैं, मैं बेसिकली दुबई में ही रहता हूँ तो यहाँ पे आया तो वेकेशंस पे। हाँ जी हाँ नाज़रीन, एक और भाई भी बैठे हैं, इनसे भी हम चल के जानेंगे कि इनकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट खुराक है, कौन सा मतलब डिशेज़ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आप? सर राहिल। रहील भाई ये बताएं ज़्यादातर कौन सा खाना आप पसंद करते हैं? देसी फूड लाइक करते हैं। देसी फूड ज़्यादा? हमारे जनूबी पंजाब में साउथ पंजाब में ज़्यादा देसी फूड लाइक किया जाता है। तो आप
आए कहाँ से? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान हाईवे का सफ़र? जी जी, यहाँ हमारा गांव है मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ से गुजरते हैं अक्सर, फिर रास्ते में यहाँ से खाना खुना खा लिया, डेली गुजरना होता है हमारा। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने बहुत ही लजीज खाने तैयार किए जा रहे हैं। इन खानों में क्या कुछ मिलाया जाता है, ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं और इनका नाम क्या दिया जाता है होटल की जानिब से, ये हम इन शेफ से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद। सर, कुकिंग एक्सपीरियंस मतलब कितने साल से आप खाने शाने बना रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से माशाल्लाह। ये खाने जो आप ये सारी किश बना रहे हैं, क्या मुझे इसका आप नाम बता सकते हैं, इस डिश का क्या नाम है? ये है जी चिकन लाहौरी। ये चिकन लाहौरी में अपना, सबसे पहले तो ये बताएं इसका नाम लाहौरी से क्यों आपने वो किया है मंसूब? ये जो आजकल का नया टेस्ट निकला हुआ है ना भट कढ़ाई वालों का, जी जी, ये हमारे पास बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है चिकन लाहौरी कढ़ाई। तो इसमें कौन कौन से अज़ियाद शामिल करते हैं, इसमें क्या क्या चिकन के अलावा और क्या कुछ शामिल होता है? इसमें हम डालते हैं थोड़े से प्याज, प्याज का टच देते हैं और टमाटर डालते हैं। ये लाहौरी कढ़ाई इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये स्पाइसी होती है। स्पाइसी होती? हाँ जी, लाहौरी लोग वैसे भी स्पाइसी लोग चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जी जी, ये सारी ये लाहौरी कढ़ाई। और ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? देसी कढ़ाई तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, देसी मुर्गी की। तो इसमें क्या कुछ शामिल करते हैं आप? ये भी स्पाइसी में आ जाता है। अच्छा, स्पाइसी में। हाँ जी, तो हमारे पास अफगानी की भी वो ज़्यादा डिमांड होती है। ठीक है। हाँ जी, अफगानी को थोड़ा मीठा कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, वो स्पाइसी लाइट स्पाइसी होता है। लाइट स्पाइसी। हाँ जी। ठीक है, इसमें भी मतलब यही वाले इंग्रेडिएंट्स अज़ा शामिल करते हैं आप? जी, जी, तो जी, ये जी, क्या आप तैयार कर रहे हैं? ये मटन लाहौरी कढ़ाई है। अच्छा, मटन लाहौरी की तैयार कर रहे हैं। ये भी स्पाइसी होती है? ये भी स्पाइसी होती है, रेड में जो भी है यहाँ स्पाइसी है। अच्छा, यहाँ के लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं? जी जी, मुल्तान में कुछ ज़्यादा होटलों पर ऐसे ही होता है कि स्पाइसी खाना तैयार होता है। अच्छा अच्छा, स्पाइसी खाने ज़्यादा तैयार होते हैं। तो मतलब ये सारा कुछ जितना भी आप बनाते हैं यहाँ पर, कस्टमर भी आपसे स्पाइसी की ज़्यादा डिमांड करते हैं? जी जी, स्पाइसी की ज़्यादा डिमांड करता है। हमारे पास लाइव मटन लगा हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से कटवा के दे जाते हैं। अच्छा। तो स्पाइसी नॉन स्पाइसी जैसे भी होता है वो हमें बता देते हैं उसी। मतलब मटन आप खुद ही यहाँ पर होटल में ही कटवा के तैयार करते हैं? ये साबित लगा हुआ मटन आपके सामने है। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस होटल का मायार ये है कि ये खुद ही मटन को ज़िबा करके यहाँ पर अपना ही मटन दस्तयाब करते हैं किचन में। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम बारबेक्यू पॉइंट पर मौजूद हैं। बारबेक्यू वैसे भी आवाम बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, और इस बारबेक्यू क्या एक खास बात है हम इनके शेफ़ से चल के जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर भाई, ये बताएं ये जो बारबेक्यू तैयार किया जाता है आवाम बहुत ज़्यादा शौक से खाती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक ख़ास बात इसकी क्या होती है? सबसे ज़्यादा ख़ास बात तो इसकी स्पाइस है एक चीज़। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, कुछ लाइट होती हैं। इनकी आइटम्स के हिसाब से, इनकी मतलब ये आप समझ लें कि डिशेस के हिसाब से या इनकी प्रोडक्ट के हिसाब, उसके हिसाब से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लाइट होती हैं, बहुत मतलब ये कि जो स्पाइसी होती हैं। अब टिक्का बोटी को ले लें, बहुत मतलब तो आवाम सबसे ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करती है, लाइट नहीं। वो डिफरेंट सिटीज़ का अपना होता है कि कुछ लोग जहाँ कहीं पे, मुल्तान के आवाम को ले लें या मतलब स्पाइसी खाते हैं, पसंद भी करते हैं। कराची को ले लें, कराची में स्पाइस चलता है। बाकी आप लाहौर को ले लें, लाहौर में बहुत ज़्यादा स्पाइस चलता है। लाइटर वाली कौन सी आवाम है? नहीं नहीं, वो कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो लाइट खाना पसंद करती हैं, है। उनके लिए जैसे एग्जांपल है कि मलाई बोटी हो गई, जी जी, रेशमी कबाब हो गए, वो ज़रा लाइट में होते हैं, वो मतलब खाना पसंद करते हैं। उस हिसाब से वो उनकी चॉइस होती है कि वो मतलब क्या लेना चाहते हैं। अच्छा, तो आप कितने मतलब अर्सा हो गया आपको ये बारबेक्यू बनाते बनाते? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल हो गए। तो जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फूड डिपार्टमेंट के हेड फजल इलाही साहब मौजूद हैं। इनसे हम चल के जानेंगे कि यहाँ की डेरा बिलेदा डेरा की कौन कौन सी खानों को, कौन कौन सी डिशों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बताएं मोस्टली कौन सा डिशेज यहाँ की ज़्यादा लाइक की जाती हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आजकल जो चल रही है ना फूड, तकरीबन मेरे ख्याल चल रहा है लाइट स्पाइसी चल रहे हैं। उसमें स्पेशल हमारे पास जो मटन की अफगानी कढ़ाई है, या दूसरे नंबर पे जो आती है वो देसी कढ़ाई है। लोग फ्रेश लेके आते हैं, फ्रेश कटवाते हैं, फ्रेश मीट हमारे पास आपके सामने ही है। ये बाकी लाइव बार भी आप यहीं पर इसे मतलब ज़िबा करवा के यहीं पर ही आप तैयार करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसे से हमारा जो इदारा है यहीं पे मीट लेके आता है, यहीं पे फ्रेश ज़िबा होता है, और यहीं से कस्टमर की अपनी मर्ज़ी वो क्या लेता है। कोई दस्ती पसंद करता है, पुट पसंद करता है, या रान पसंद करता है,
तो यहाँ पर मतलब कस्टमर के बिल्कुल सामने काटा जा रहा है, लटकाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो ये उन्हें एज अ टाइप ऑफ शोटी दिलाने के लिए कि जो चीज़ वो खा रहे हैं वो सामने उन्हें दिखाया जा रहा है। ये इनिशिएटिव कब से आपने उठाया है? ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से 2008 से ओपन हुआ है हमारा रेस्टोरेंट, तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इनका यही शौक है काफ़ी अरसा से। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल का माहौल चल रहा है उसके मुताबिक हर कस्टमर लाइव बारबेक्यू या लाइव किचन या लाइव मीट जो है वो पसंद करते हैं, ये अपनी आंखों के सामने कटवाए बनवाए उसका एक अलग समझ है। तो ये सफाई का और इन्वायरमेंटल का ख्याल आप कैसे मतलब रखते हैं, इसके लिए कोई टीम तश्कील दी हुई है, इसकी निगरानी मतलब कौन करता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पास हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक यानी कि हमने सीनियर रखा हुआ है अपना, मतलब हर डिपार्टमेंट के सफाई के लिए हमने अलग एक सीनियर रखा हुआ है जो कि नीचे सफाई करने वाले हैं उनके ऊपर निगरानी करता है। ख़ास तौर पर इशूज़ होते हैं जो सफाई के, वाशरूम रेस्टोरेंट के जो मेन हैं कि वाशरूम की सफाई, उसके अलावा सिटिंग की सफाई जहाँ पे कस्टमर सिटिंग कर रहा है, जहाँ पे बैठ के खाना खाएगा वो एरिया माहौल वो साफ़ होना चाहिए, क्राकरी साफ़ होनी चाहिए, तो इसके लिहाज से हमने हर डिपार्टमेंट में ना एक अपना सीनियर रखा हुआ है। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे फ़ज़ल इलाही साहब, इनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और यहाँ पर जो फैमिलीज़ आती हैं उनके भी रिव्यूज़ हमने आपको सुनाए। तो आप अगर पिकनिक या किसी तफरी के लिए आप आना चाहते हैं तो इस मकाम पर आप ज़रूर आ सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त अलाने के बाद। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.